Well, good morning, dear class 9. I'm going to take up again the same story in continuation. Eeshwaran the storyteller, यानि कि ईश्वरन कैसा storyteller था, और आपने उसके मालिक के बारे में भी जाना कि वो contractor था और जिसे various sites पे जाना पड़ता था अपना काम देखने, और वहाँ किसी भी मतलब on an instant he was told to go somewhere and he was so obedient that he would go anywhere that he was ordered to go. और उसके साथ एक asset था, एक बहुत बड़ी उसके लिए मतलब एक help भी थी, a helping hand, a great helping hand who was a multi-purpose man. यानी कि he would clean the things at home and he would do all sorts of things, and other than that he was a great source of entertainment also for Mahendra. और उसकी एक आदत थी खास तौर पे कि he would weave stories out of thin air, यानी कि he could fabricate stories, he could cook up stories, यानी कि खाना तो बनाता ही था, he could cook up the things at home and at the same time he could cook up stories also. That was his speciality. जैसा कि कल we had read an example, एक example हमने कल पढ़ा कि एक पेड़ था गिरा हुआ कहीं उखड़ा हुआ, तो उसको उसने किस तरह से डिस्क्राइब करा कि उसने कहा कि पहले मैंने जब जाके वहां पर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा बीस्ट यानी कि बहुत बड़ा जानवर बालों वाला खुशी वो पड़ा हुआ है सड़क पर पसरा हुआ, लेकिन ज्यादा करीब जाके देखा तो पता लगा वो पेड़ है. तो सच वॉज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ दिस मैन ईश्वर. और उसकी कुछ और इंस्टेंसेस इसी स्टोरी में आर के लक्ष्मण ने डिस्क्राइब करी है. बच्चों मैंने बताया था आपको कि आर के लक्ष्मण जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के रेगुलर कार्टूनिस्ट रहे फॉर 60 इयर्स और सो, और इनके भाई आर के नारायण एक ग्रेट लिटरेटर हैं अंग्रेजी पे, जिन्हें नोबेल प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया, हालांकि उन्हें नोबेल प्राइज मिला नहीं. एनीवेज मालगुडी डेज आपने सुना होगा, मालगुडी डेज जो है आर के नारायण ने लिखा था. Anyways, now I take up this story further. We had read it ki how he would tell the stories to Mahendra, aur Mahendra ka kya usme response rehta tha ki Mahendra would stretch himself back in his canvas chair, wo apne canvas chair pe pasra rehta tha, and listen to Ishwaran's tales uncritically. Uncritically means without pinpointing any mistakes. Means without grilling him ki aisa kaise ho sakta hai. Things like that he would never ask. यानी कि ऐसी चीजें वो उसकी बातों पे उसकी stories पे सवाल कभी नहीं उठाता. Now friends, we take up this page 14. The place I come from is famous for timber. Timber means the wood that is used for making furniture. जैसे हम हिंदी में कहते हैं इमारती लकड़ी. यानी कि उसने कहा कि मैं जिस जगह से आता हूँ वहां इमारती लकड़ी बहुत होती है. ईश्वरन वुड बी ईश्वरन इस तरह से अपनी बात स्टार्ट करता. There is a richly wooded forest all around. यानि कि बहुत घना जंगल है. The logs are hauled on the lorries by elephants. Logs means लट्ठे. यानि कि जो stems होते हैं उसके. Round, fat and long. So those logs are hauled, hauled means pulled on the lorries by elephants. Lorries बच्चों अमेरिकन अंग्रेजी में trucks को कहते हैं. तो ट्रकों में वहां elephants मतलब ट्रकों तक लाने के लिए एलिफेंट्स उन ब्लॉक्स को घसीट के लाते थे. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. एलिफेंट्स जो है दे आर ह्यूज. ह्यूज मींस इनॉर्मस इन साइज, ग्रेट इन साइज, लार्ज इन साइज, बिग इन साइज. और वेल फेड बीस्ट, वेल फेड मींस दे आर गिवन इनफ फूड. फूड से बच्चों वर्ब बनता है फीड. फीड मतलब फूड प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को. तो वेल फेड बीस्ट. When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. अगर वो जब उसे कहते हैं मस्त होना, M-A-S-T, ये हिंदी से ही लिया गया है ये शब्द मस्त होना. और ये जो एक और शब्द यहाँ पे महावत यूज करा गया है, महावत भी एक हिंदी वर्ड है फॉर द ड्राइवर ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि जो एलिफेंट को चलाता है. तो when they turn wild, यानी कि जब वो अपने मस्त हो जाते हैं या बिल्कुल जंगली बन जाते हैं, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम.
जो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत होते हैं वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये बात सच है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग जो है, प्रोलॉग और एपिलॉग, प्रोलॉग जो है वो बिगिनिंग में लिखा जाता है किसी ड्रामा के, और आखिर में एपिलॉग लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब उसका प्रीफेस या इंट्रोडक्शन से है, प्रस्तावना से है। तो आफ्टर दिस प्रोलॉग यानी कि ये शुरुआत कर रहा है कहानी की, यानी कि ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इसके बाद वो एक प्रेरक प्रसंग सुनाता एलिफेंट के बारे में। एनेक्डोट आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एन इंस्पायरिंग इंसिडेंट एटसेट्रा। वन डे अ टस्कर, टस्कर इज एन एलिफेंट विद टस्क्स, टस्क जो हाथी के दिखाने के बाहर के नाम होते हैं उन्हें टस्क कहा जाता है, और जिनके बड़े बड़े टस्क होते हैं उन्हें टस्कर्स कहा जाता है। तो वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी कि जहां वो लकड़ियां रखने की जगह थी वहां से वो भाग गया एक बार, एक टस्कर यानी कि एलिफेंट, एंड बिगैन टू रोम अबाउट, यानी कि ही बिगैन टू वॉक अराउंड। रोम अबाउट मींस वॉक अराउंड, बच्चों अबाउट शब्द का इस्तेमाल इस तरह से एडवर्ब के तौर पर इधर उधर के होता है, जैसे व्हाई आर यू रनिंग अबाउट, मींस ही वाज जंपिंग अबाउट, अबाउट मींस अराउंड। नाउ स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, यानी कि वो स्टैम्प होता है पैर से जोर से कुचलना बुशेस को, टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो क्रीपर्स थे बच्चों, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आपने सुना होगा, हालांकि इसको डिफाइन तो इस तरह से करा जाता है कि क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करती हैं वॉल्स वगैरह में, और क्रीपर्स जो फैल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिटरेचर में इस सब के मायने इतने नजदीक से नहीं देखे जाते, लेकिन वो यानी कि बेलों को कुचल देता। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल मींस एट हिज ओन विल ही वुड ब्रेक द ब्रांचेस, मींस व्हिचएवर ब्रांच ही वांटेड टू ब्रेक ही वुड ब्रेक इट। एंड यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोस मैड, अब ये उसे बता रहा महेंद्र को कि बताए सर कैसे ये जानवर जो है पागल हो जाता है एलिफेंट। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. यानी कि ईश्वरन इतना अपनी स्टोरी में खो जाता था और इतना खुश अपने आप से कि वो he would begin to act like an elephant himself. यानी कि अपने आप भी elephant की तरह वो behave करने लगता, पैर धमक मतलब धमधम करके वो उछलते हुए जैसे bushes को उछल रहा हो इस तरह से अपने आप भी emulate करता। Emulation, emulate means to copy or imitate or means behave like the person talked about here of the mad elephant. The elephant reached the outskirts of our own town, of our town. और elephant जो है वो outskirts तक पहुंच गया हमारे town के. Outskirts means बाहरी इलाके, bordering area. So breaking the fences. यानी कि फेंसेस जो लगी थी या चार दीवारी या बाड़ जो लगी थी, डाउन लाइक मैच स्टिक्स, यानी कि उनको उसने तोड़ दिया जैसे कि माचिस की तिल्लियों की तरह। मैच स्टिक्स मींस द स्टिक्स दैट आर केप्ट इन द मैच बॉक्स, उनकी तरह तोड़ दिया। ही वुड कंटिन्यू, और इस तरह से वो अपना कहानी बताता कि इट केम इनटू द मेन रोड, और उसके बाद वो मेन रोड पर आया एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स ऑफ सेलिंग फ्रूट्स, यानी कि सारी उसने दुकानों में जहां फ्रूट्स बेचते थे लोग उनको उसने ध्वस्त कर दिया। स्मैश मींस हिट देम बैडली। मड पॉट्स यानी कि गमले जो थे, एंड क्लोथ्स और कपड़े, यानी कि सब बिखेर दिया इधर उधर, हेल्डर्स दिस वे एंड दैट, एंड क्लोथ्स, पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर मींस दिस वे एंड दैट वे, दे बिगन टू रन in all directions, means in panic. Panic means when a nervous excitement sets in, a person becomes so agitated and he begins to run away from there, and that is what happened with Ishan, with the elephant also. The elephant now entered a school ground, aur uske baad fir elephant jo hai ek school ground mein chala gaya, where children were playing, jahan bacche khel rahe the, breaking through the brick wall, yani ki ek दीवार थी ईंट की, उसको तोड़ के वो वहां घुस गया। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, सारे बच्चे जो है क्लासरूम में घुस गए और उन्होंने सही से तगड़े से दरवाजा बंद कर दिया, पक्के तौर पर मतलब बहुत टाइट करके बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड, बच्चों आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ग्रंट वैसे सुअर की साउंड को कहते हैं, लेकिन द बीस्ट ग्रंटेड, गटरल साउंड निकालने को भी
ग्रंट कहते हैं, यानी कि गले से निकालना, गटरल साउंड जिसे कहते हैं, एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और इधर उधर फिरने लगा वहां स्कूल में, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, यानी कि गोल पोस्ट लगे हुए थे फुटबॉल के, उनको उसने उखाड़ दिया, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो वहां ड्रम रखा था उसको पैर से पिछड़ के उसने क्रश कर दिया, दबा दिया, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जितनी झाड़ियां वगैरह थी उनको उसने, ही ट्विस्टेड देम विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक, ट्रंक की हेल्प से, यानी कि अपने सूंड की हेल्प से उनको पकड़ा और उखाड़ दिया, यानी कि ही पुल्ड देम आउट, अपरूट मींस टू पुल द रूट आउट, अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब्स मींस बुशेस, नाउ मीनवाइल, मीनवाइल मींस इन द मीन टाइम, यानी कि इसी दौरान ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, वो लोग टेरेस पे चढ़ गए, बालकनी पे चढ़ गए जहां काफी स्पेस था, एंड फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहां से वो बर्बादी का तमाशा देखने लगे, डिप्रेडेशंस मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही वॉज डूइंग, देयर वॉज नॉट अ सोल, अब यहां पे नॉट अ सोल का मतलब नॉट अ पर्सन, देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक भी इंसान ग्राउंड में नहीं था, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हो गई, एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, ऐसा लगा जैसे अचानक पूरे शहर के लोग गायब हो गए, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, अपने बारे में बता रहा कि मैं उस समय जूनियर क्लास में था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं भी छत में से सबके साथ रूफ टॉप से ये सब ड्रामा देख रहा, आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया, वॉट केम ओवर मी सडनली मीन्स हाउ आई गॉट इन्फ्लुएंस, हाउ आई गॉट स्वेप्ट ओवर बाई इमोशन, कि कैसे मैं इससे प्रभावित हो गया, आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने एक डंडा पकड़ा, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर्स के हाथ से, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन, उसके बाद मैं तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे गया, और वहां से फिर ओपन में, यानी कि ग्राउंड में चला गया, द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनिसिंगली, मिनिसिंगली मीन्स थ्रेटनिंगली, यानी कि मुझे थ्रेटन करते हुए, एक किस्म से मुझे धमकी देते हुए, यानी कि चैलेंज करते हुए, swung a branch of a tree which is held in its trunk, एक उसने जो एक टहनी पकड़ी हुई थी अपने सूंड में, मेरी तरफ को जोर से फेंकी, it stamped its feet, menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk, it stamped its feet, यानी कि पैर से धमधम कर रहा था, kicking up a lot of mud and dust, यानी कि बहुत सारी मड और डस्ट उड़ा रहा था, it looked frightening, बहुत ही terrible लग रहा था, frightening means terrible, scary, but I moved slowly towards him, lekin main dheere dheere iske paas gaya, stick in hand, yani ki mere haath mein stick thi, people were watching the scene, hypnotized, bachcha hypnotism usse kehte hain, jaise jadugar kehte hain ki jadugar ya kai badi personalities bhi aankhon hi aankhon mein dekh kar logo ko prabhavit kar deti hain, hypnotize kar deti hain, ya fir aapne dekha hoga kai log जो स्पेल, दे कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक ऐसा कहा जाता है, वो लोग भी हिप्नोटाइज कर देते हैं, यानी कि फिर आप जैसा वो चाहेंगे वैसा समझेंगे, इस तरह, तो हिप्नोटाइज्ड, आई गॉट हिप्नोटाइज्ड माने जैसे कि मैं उससे बहुत प्रभावित हो गया, नहीं लोग प्रभावित हो गया, पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, नजदीक के घरों से लोग छतों में से देख रहे थे, द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई, यानी मेरी तरफ उसने लाल आंखों से देखा हाथी ने, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ भागने को तैयार था वो, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, यानी कि उसने सूंड उठाई, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, बच्चों ट्रम्पेट एज अ वर्ब इज यूज्ड फॉर द साउंड ऑफ द एलिफेंट ट्रम्पेट्स, द वे द डॉग बार्क्स, द काउ मूव्स, द कैट मियाउस, इन दिस वे ओनली वी यूज द वर्ड ट्रम्पेट, मीन्स when an elephant produces a sound that is called trumpeting. Now, trumpeted loudly, at that moment I moved forward and mustering all my force, mustering means gathering all my strength, wagged its third toenail on the quick, and it is zor se iske pair ke teesri ungli pe toe pe mara, kya raha maine, the beast looked stunned, stunned means sharp, taken aback, crestfallen, okay. Oh, it was in consternation,
It was in great surprise, in great amazement. For a moment, उस देर के लिए तो वो स्तब्ध रह गया. Then he shivered from head to foot. और उसके बाद फिर पैर से सर से पैर तक कांपने लगा. And collapsed. Collapse means and it fell down. और उसके बाद गिर गया. Now at this point, Ishwaran would leave the story unfinished. और ऐसा कह के वो इस अधूरी कहानी को छोड़ जाता. एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से उठ लेता. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, यानी कि गैस जलाने के बाद मैं आता हूं वापस और खाना गर्म करना है. टू वार्म अप द डिनर. महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, रैप्ट मींस अनडिवाइडेड अटेंशन, अनफ्लिंचिंग अटेंशन, means he was listening to him very attentively, in a very focused way, with undivided attention. He was listening to it, would be left hanging. यानी कि वो बेचारा वहाँ रह जाता कि इससे आगे क्या हुआ story के बारे में. तो यानी कि he was making or creating suspense. This art also he knew very well. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. यानी कि वो जल्दी से जब Ishwaran वापस आ भी जाता तो वो स्टोरी अपने आप नहीं चालू कर देता दोबारा, वो कंटिन्यूएशन में नहीं ले लेता उस स्टोरी को, बल्कि महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग. महेंद्र को बताना पड़ता कि भाई तुमने वो स्टोरी तो पूरी करी नहीं अपनी जो अभी तक सुना रहे थे. वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, यानी कि एक वेटरनरी डॉक्टर इज द डॉक्टर ऑफ पेट्स और द डॉक्टर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर. आपका IVRI यहाँ पे है, वो वेटरिनरी इंस्टीट्यूट है, वहां पे IVB जो है वो इंडियन वेटरिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाटएवर इट इज. तो ये वेटरिनरी डॉक्टर, इसको वेट भी कहते हैं बच्चों, VET वेट. वाज समन्ड, यानी कि ही वाज कॉल्ड टू रिवाइव द एनिमल, मींस टू गिव लाइफ बैक टू द एनिमल. ईश्वरन वुड शक कैजुअली, और उसके बाद वो जैसे कंधे हम उसको आते हैं, so he would shrug casually, but casually shrug karta. 2 days later it was led away by its mahavat to the jungle. Yani ki 2 din baad iska mahavat, yani ki the driver of the elephant, he took him away to the jungle. Yani ki is tarah se usse wo fir jungle leke jata hai 2 din baad. So bachcho, I am leaving this story here and we shall be continuing it in the next session, and I hope you would have understood the portion that I read today and the previous portion. Of course, just keep reading between the lines also, and you must read it alone so that you may better understand it. And please do write the word meanings in the book itself so that it may provide you a ready help to read and find out the meaning at the same time. Thank you so very much.